हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसिस्टर पढ़ने वाले हैं। ट्रांसिस्टर, ठीक है। व्हाट इज ट्रांसिस्टर? ट्रांसिस्टर बोले तो क्या है इसको, ये ट्रांसिस्टर को जंक्शन ट्रांसिस्टर बोल के भी बोलते। क्या बोलते? जंक्शन ट्रांसिस्टर, ठीक है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांसिस्टर या जंक्शन ट्रांसिस्टर बोल के बोलते हैं ट्रांसिस्टर को। ट्रांसिस्टर बोले तो क्या है, जनरल मीनिंग क्या है बोले तो, विच ट्रांसफर्स वीक सिग्नल फ्रॉम लो रेसिस्टेंस रीजन टू हाई रेसिस्टेंस रीजन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसिस्टर बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज ट्रांसिस्टर? विच ट्रांसफर्स वीक सिग्नल फ्रॉम लो रेसिस्टेंस रीजन टू हाई रेसिस्टेंस रीजन, ये है ट्रांसिस्टर। इसका ड्यूटी क्या है ट्रांसिस्टर का? वो एक वीक सिग्नल, सिग्नल तो मालूम है राइट, वो टीवी सिग्नल रहें दे या साउंड सिग्नल रहें दे या वोल्टेज सिग्नल रहें दे या करंट सिग्नल रहें दे, ठीक है। तो ये एक वीक सिग्नल को लो रेसिस्टेंस रीजन से हाई रेसिस्टेंस रीजन को ट्रांसफर करता, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसिस्टर, ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टेंस भी बोलते। समझ में आ रहा? तो ये है ट्रांसिस्टर अपना। ट्रांसिस्टर का मेन एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है? ट्रांसिस्टर कहाँ यूज करते हैं अपन? अब जनरली माइक, माइक बोले तो एम्पलीफायर में यूज करते ट्रांसिस्टर को। ट्रांसिस्टर को एम्पलीफायर में यूज करते। एम्पलीफायर क्या करता, माइक क्या करता? अपन स्लो बात करें तो भी बाहर साउंड बहुत ज्यादा आता, तो माइक क्या करता, वीक सिग्नल को स्ट्रांग सिग्नल बनाता। ओके, माइक, माइक में अगर बात करें तो नॉर्मली अपन बात करें तो नॉर्मल छोटा साउंड आता, आवाज छोटा आता। अगर अपन माइक में बात करें तो आवाज बढ़ जाता। क्या हो रहा है, एक वीक सिग्नल को स्ट्रांग सिग्नल बना रहा, वो है एम्पलीफायर। तो ट्रांसिस्टर इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। समझ में आ रहा? तो ये है ट्रांसिस्टर बोले तो, विच ट्रांसफर्स वीक सिग्नल फ्रॉम लो रेसिस्टेंस रीजन टू हाई रेसिस्टेंस रीजन। रेसिस्टेंस तो मालूम है, रेसिस्टेंस का मतलब क्या है? विच अपोज द करंट, जो करंट को अपोज करता, स्लो करता, उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। जो करंट को, फास्ट मूविंग करंट स्लो करता, उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो लो रेसिस्टेंस बोले तो कम रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस बोले तो ज्यादा रेसिस्टेंस। तो लो रेसिस्टेंस से हाई रेसिस्टेंस को ये वीक सिग्नल ट्रांसफर करें तो उसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसिस्टर बोलते हैं। ट्रांसिस्टर में क्या रहता है, एक्चुअली ट्रांसिस्टर में क्या रहता? ट्रांसिस्टर कंसिस्ट ऑफ टू जंक्शंस, ठीक है, टू जंक्शंस एंड थ्री लेयर्स। ट्रांसिस्टर में क्या रहते कहते? ट्रांसिस्टर में क्या रहते कहते? टू जंक्शंस रहते कहते और थ्री लेयर्स रहते कहते। ये ट्रांसिस्टर कितने तरीके का रहता? टू टाइप्स। ट्रांसिस्टर इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज टू टाइप्स। ट्रांसिस्टर टू टाइप्स का रहता। ट्रांसिस्टर बोले तो वो भी क्या है, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है। व्हाट इज अ ट्रांसिस्टर? इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। जैसा डायोड देखे अपन, डायोड इज आल्सो सेमीकंडक्टर डिवाइस। डायोड, डाई बोले तो टू, टू इलेक्ट्रोड्स, वन इज कैथोड, अनदर इज एनोड। पी टाइप क्या आ गया, क्या बोलते हैं अपन? पी टाइप को एनोड भी बोलते हैं और एन टाइप को कैथोड भी बोलते हैं। समझ में आ रहा? अपन पीएन जंक्शन डायोड देखे ना, पीएन जंक्शन डायोड कैसा रहता है सर? जनरली दिखने में ऐसा रहता, पीएन जंक्शन डायोड इसका सर्किट सिंबल ऐसा रहता। ये पी टाइप है और एन टाइप है। ये क्या है सर? ये एनोड है। ये क्या है? कैथोड है। जो पी टाइप है उसको एनोड बोलते हैं और एन टाइप है वो उसको कैथोड बोलते हैं अपन। समझ में आ रहा? इसमें
टू इलेक्ट्रोड्स है। डाई डाई का मतलब क्या है, टू। डायोड का मतलब टू इलेक्ट्रोड्स, टू टर्मिनल्स एक और दो, पी और एन, टू टर्मिनल्स है। ट्रांसिस्टर बोले तो क्या है, ट्रायोड, थ्री टर्मिनल्स रहते हैं ट्रांसिस्टर में। ट्रांसिस्टर बोले तो क्या है, ट्रांसिस्टर बोले तो ट्रायोड, इसमें थ्री इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, ठीक है, थ्री इलेक्ट्रोड्स, दिखने में ऐसा दिखता है ट्रांसिस्टर, वन टू थ्री, थ्री इलेक्ट्रोड्स एक। इसमें कितने तरीके के ट्रांसिस्टर रहते हैं बोले अपन, दो तरीके के ट्रांसिस्टर। कितने तरीके रहते हैं, दो तरीके के, टू टाइप्स। उसमें वन टाइप इज व्हाट, एनपीएन ट्रांसिस्टर, अनदर टाइप क्या है, पीएनपी ट्रांसिस्टर। एनपीएन ट्रांसिस्टर और पीएनपी ट्रांसिस्टर, टू टाइप्स ऑफ ट्रांसिस्टर्स रहते हैं अपने को, ओके। एनपीएन पीएनपी, एनपीएन ट्रांसिस्टर बोले तो क्या है, वेने पी लेयर, पी टाइप, पी बोले तो कभी भी समझो, पी बोले तो पी टाइप सेमीकंडक्टर। ऑलरेडी अपन डिस्कस करें व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हाट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस रहते, एन टाइप में ज्यादा नेगेटिव चार्जेस रहते, समझ में आ रहा है, ये तो अपन लास्ट क्लासेस में डिस्कस करें, लास्ट वीडियोस में, राइट। तो कहां भी अगर पी लगा तो क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर लेयर सेपरेट्स टू एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। इधर क्या कर रहा है, एनपीएन ट्रांसिस्टर क्या कर रहा है, ये एनपीएन ट्रांसिस्टर में जो कुछ भी पी है ना, ये क्या कर रहा, टू एन को सेपरेट कर रहा, टू एन टाइप्स को सेपरेट कर रहा। अपने को नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में एक ही जंक्शन रहता, पी और एन के बीच में एक ही जंक्शन रहता। यहां क्या हो गया, देखो टू जंक्शन हो गए, एन पी के बीच में एक जंक्शन है, पी एन के बीच में एक जंक्शन है, एन पी के बीच में एक जंक्शन है और पी एन के बीच में एक जंक्शन है, तो टू जंक्शन हो गए और थ्री लेयर्स हो गए। इस वास्ते अपन क्या बोले, टू जंक्शन एंड थ्री लेयर्स। ट्रांसिस्टर में क्या रहते, टू जंक्शन और थ्री लेयर्स रहते। थ्री लेयर्स कौन से हैं, दो, अगर एनपीएन ट्रांसिस्टर ले तो दो एन लेयर्स है और एक पी लेयर है, समझ में आ रहा। तो ट्रांसिस्टर बोले तो क्या, वो भी एक डिवाइस है, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट है, जैसा डायोड अपन यूज करें। डायोड किस में यूज करें अपन, हाफ वेव रेक्टिफायर में, रेक्टिफायर करता डायोड। और ट्रांसिस्टर क्या करता, एम्पलीफायर का एम्पलीफाई करता, एम्पलीफायर लाउड स्पीकर्स में, बड़े बड़े अपन शादियों में लगाते ना डीजे, उसमें साउंड कहीं को आवाज छोटा, आवाज बड़ा कहीं को हो रहा, एम्पलीफाई कैसा हो रहा, तो वो ट्रांसिस्टर कर रहा, ट्रांसिस्टर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर। तो वो भी एक कंपोनेंट है, उसके बारे में अपन देखेंगे क्या है क्या है। तो ये तो समझ में आया, सेमीकंडक्टर, ये ट्रांसिस्टर क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इसको जंक्शन ट्रांसिस्टर भी बोलते हैं। ये टू टाइप्स का है, वन इज एनपीएन और एक पीएनपी। ट्रांसफर ट्रांसिस्टर बोले तो विच ट्रांसफर्स वीक सिग्नल फ्रॉम लो रेसिस्टेंस रीजन टू हाई रेसिस्टेंस रीजन। और ट्रांसिस्टर में टू जंक्शन रहते और थ्री लेयर्स रहते, ठीक है, तुम स्क्रीनशॉट ले तो तुम्हारा थोड़ा बहुत पॉइंट्स आ जाते इसमें, राइट। तो ट्रांसिस्टर या जैसा पीएन जंक्शन डायोड में एक जंक्शन है, वैसा ट्रांसिस्टर में टू जंक्शन रहते। पीएन जंक्शन में टू लेयर्स है तो ट्रांसिस्टर में थ्री लेयर्स है, एनपीएन और पीएनपी, समझ में आ रहा। तो ये है ट्रांसिस्टर। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रांसिस्टर में सिंबल्स, एनपीएन ट्रांसिस्टर सिंबल कैसा अपन डिनोट करते, सर्किट सिंबल, और पीएनपी ट्रांसिस्टर का सिंबल कैसा डिनोट करते और देखेंगे। तो ये तो मालूम हो गया कि ट्रांसिस्टर कितने टाइप्स का रहता, टू टाइप्स का, वन इज पीएनपी और एनपीएन और एक क्या है, एनपीएन, पीएनपी और एनपीएन ट्रांसिस्टर। पीएनपी ट्रांसिस्टर का सर्किट सिंबल ऐसा रहता है, पहले ट्रांसिस्टर में क्या क्या रहते, कंपोनेंट्स क्या रहते वो देखेंगे, राइट। ट्रांसिस्टर अगर पीएनपी ट्रांसिस्टर ले लिए, ठीक है, ये पी है, ये एन है और ये पी है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पीएनपी ट्रांसिस्टर बोलते क्या है, व्हेन एन लेयर सेपरेट्स टू पी लेयर्स, व्हेन एन लेयर सेपरेट्स टू पी लेयर्स, इट इज कॉल्ड
PNP transistor. When P layer separates two N layers, it is called NPN transistor. N layer separates two P layers is called PNP transistor. P layer separates two N layers is called NPN transistor. ठीक है, ये PNP और NPN transistor में क्या रहते हैं? एक इसमें एक P क्या है अपना? एमिटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एमिटर. और एक P क्या है? कलेक्टर. ये बीच में N क्या है? बेस. समझ में आ रहा? ट्रांसिस्टर में थ्री टर्मिनल्स रहते बोल के बोले ट्रायोड. ट्रांसिस्टर का मतलब ट्रायोड. डायोड बोलते टू टर्मिनल्स रहते, कैथोड एनोड. एनोड कैथोड. इसमें थ्री टर्मिनल्स है. एक टर्मिनल क्या है? एमिटर है. एक टर्मिनल क्या है? बेस है. और एक टर्मिनल क्या है? कलेक्टर है. एमिटर क्या करता? विच एमिट्स द चार्जेस. कलेक्टर क्या करता? विच कलेक्ट्स द चार्जेस. बेस क्या करता? एमिटर से कलेक्टर को चार्जेस को पास करता बेस. सिंपल. ठीक है, एक मिनट. समझ में आया एनपीएन और पीएनपी ट्रांसिस्टर. पीएनपी ट्रांसिस्टर या एनपीएन ट्रांसिस्टर कौन सा भी लो, एनपीएन लेवा. इसमें भी थ्री लेयर्स रहते. एक क्या है? एमिटर है. ठीक है, ई. और एक क्या है? बेस है. और एक क्या है? कलेक्टर. एमिटर, बेस, कलेक्टर. एमिटर क्या करता? चार्जेस को एमिट करता. कलेक्टर क्या करता? चार्जेस को कलेक्ट करता. तो एमिटर यहां से चार्जेस भेजता ऐसा. एमिटर. कलेक्टर क्या करता? उसको कैच करता. एमिटर चार्जेस फेंक रहा और कलेक्टर चार्जेस कलेक्ट कर रहा. बीच में बेस क्या कर रहा? वो ये दोनों के बीच में आके इन्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा, मदद कर रहा. इधर से इधर जाने के वास्ते इन्हें बीच में रहकर मदद कर रहा, हेल्पिंग हैंड. ठीक है, समझ में आ रहा? अपन यहां से वहां तक भेजना है चार्जेस. तो बीच में बेस क्या करता? उसको सपोर्ट करके उसको भिजा देता. थोड़ा बहुत उन्हें भी एनर्जी लगाता चार्जेस भेजने के वास्ते. तो एमिटर एमिट्स द चार्जेस, कलेक्टर कलेक्ट द चार्जेस. आपने को मालूम है पीएन जंक्शन डायोड देखे अपन. पी टाइप में चार्जेस रहते, एन टाइप में चार्जेस रहते. पी टाइप के पॉजिटिव चार्जेस एन टाइप में जाते, एन टाइप के नेगेटिव चार्जेस पी टाइप में आते. ये तो मालूम है. तो ये ट्रांसिस्टर में भी पी टाइप के चार्जेस, ये जो कुछ भी पी टाइप के चार्जेस है एमिटर, वो चार्जेस किधर जाते? कलेक्टर को जाते. तो करंट कैसा भी इसमें करंट पास होगा. ठीक है, ये है पीएनपी ट्रांसिस्टर. एनपीएन ट्रांसिस्टर में भी अपने को एमिटर बेस कलेक्टर रहता. यहाँ एन टाइप है, पी टाइप है और ये एन टाइप है. इसमें सिंबल सर्किट सिंबल कैसा यूज करते हैं? साइकिल सर्किट सिंबल कैसा रहता पीएनपी और एनपीएन ट्रांसिस्टर? तो सर्किट सिंबल कैसा रहता बोले तो पीएनपी ट्रांसिस्टर का तो ऐसा रहता. ये पीएनपी ट्रांसिस्टर में ये पी टाइप है और ये एन टाइप है और ये पी टाइप है. और इसमें ये एमिटर है ना, ये बेस है और ये कलेक्टर है. इधर पी से एन को ऐसा एरो मार्क रहता. इसमें पीएनपी ट्रांसिस्टर सर्किट सिंबल पूछता हूं एग्जाम. ठीक है, ये है पीएनपी ट्रांसिस्टर. इधर एरो मार्क देखो, पी से एन को रहता कभी भी. पी से एन, पी टू एन रहता. पी एन जंक्शन बोलते ना ऐसा. तो एनपीएन ट्रांसिस्टर कैसा रहता? ये एमिटर, ये है बेस और ये कलेक्टर. ये एन टाइप है, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है. मैं क्या बोला? कभी भी पी से एन को रहता है एरो मार्क. तो ये पी है, ये एन है. तो एरो मार्क ऐसा रहता ऊपर. ये है अपना एनपीएन ट्रांसिस्टर. ये है सर्किट सिंबल्स और पीएनपीएन एनपीएन. ठीक है, एक मिनट. तो ये है अपना पीएनपी और एनपीएन ट्रांसिस्टर. ये तो समझ में आया. वेरी वेरी सिंपल. ट्रांसिस्टर बोले तो विच ट्रांसफर्स वीक सिग्नल फ्रॉम लो रेसिस्टेंस रीजन टू हाई रेसिस्टेंस रीजन. ये तो ट्रांसिस्टर है. और ट्रांसिस्टर कितने टाइप्स के रहते? टू टाइप्स के रहते, पीएनपी और एनपीएन. और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स रहते? एमिटर, बेस और कलेक्टर.
एमिटर विच एमिट्स द चार्जेस, कलेक्टर विच कलेक्ट द चार्जेस, ठीक है। बेस क्या करता है, जस्ट इट विल सपोर्ट द चार्जेस टू मूव फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर, एमिटर से कलेक्टर को जाने के वास्ते चार्जेस बेस बेस थोड़ा बहुत हेल्प करता है, राइट। ये है एमिटर बेस कलेक्टर, समझ में आया। तो नेक्स्ट अपने को नेक्स्ट अपने को ये ट्रांसिस्टर तो अपन तैयार करें, इसको यूज कैसा करना है सर? अपन इसको यूज करना बोल तो ट्रांसिस्टर में थ्री टर्मिनल्स है। अभी देखिए अपन कौन से है? अभी देखे ना, अगर पीएनपी ट्रांसिस्टर कैसा रहता, ऐसा रहता पीएनपी बोले तो पीएनपी, इसमें कितने टर्मिनल्स है? एक, दो और तीन। अपने को ये ट्रांसिस्टर यूज करना बोले तो फोर टर्मिनल्स होना, दो टर्मिनल्स इनपुट के वास्ते, दो टर्मिनल्स आउटपुट के वास्ते, समझ में आना। अगर अपन कौन सा भी फॉर एग्जांपल अगर प्लग यूज कर रहे, समझो कौन सा भी अगर टीवी का प्लग यूज कर रहे, टीवी का प्लग जाके अपन बोर्ड में फिक्स करते, ठीक है। ये बोर्ड में फिक्स कैसा करते हैं, प्लग रहता है सर, ये तो मालूम है प्लग, ठीक है। ये प्लग क्या है, फिक्स करते, इसका वायर किधर जाता, टीवी को जाता। ये वायर, वायर में भी कितने टर्मिनल्स रहते, टू टर्मिनल्स रहते, जो वो टीवी को चले जा रहा है, टीवी को, ठीक है। दो टर्मिनल्स क्या है, स्विच बोर्ड को जा रहा, दो टर्मिनल्स क्या है, टीवी को जा रहा। तो इधर समझ में आना कि अपन इनपुट देना बोले तो इनपुट बोलते करंट, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। अपन इनपुट कहाँ दे रहे, स्विच बोर्ड में दे रहे। अपना टीवी किधर ऑन हो रहा है बोले तो टेलीविजन, टेलीविजन क्या आउटपुट है, इधर करंट दे रहे तो टेलीविजन ऑन हो जा रहा। तो ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये तो आउटपुट है, ठीक है। तो इनपुट के वास्ते टू टर्मिनल्स होना, टू वायर्स होना, और आउटपुट के वास्ते भी टू वायर्स होना। जो टू वायर्स है वो टीवी में जा रहे, टू वायर्स क्या है, स्विच बोर्ड में जा रहे। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में पूरे के पूरे कितने टर्मिनल्स होना, चार टर्मिनल्स होना, अपने कितने तीन से। तो ये ट्रांसिस्टर को यूज करना बोले तो और एक टर्मिनल होना। इस वास्ते अपन क्या करते, ट्रांसिस्टर को ये तीन टर्मिनल्स में एक टर्मिनल को कॉमन करते। इधर एक टर्मिनल क्या है, एमिटर है, ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, कलेक्टर है। इसमें ये ट्रांसिस्टर में एक टर्मिनल क्या है, अपन ग्राउंड करते हैं, यानी कॉमन करते हैं, इनपुट और आउटपुट के वास्ते कॉमन टर्मिनल करते हैं, समझ में आ रहा। तो अब फॉर एग्जांपल बेस को अपन कॉमन करना चाहते, तो इसको क्या करते हैं अपन, ये बेस से एक वायर खींचते इधर इनपुट के वास्ते, और एमिटर और बेस इनपुट को दे दे रहे अपन, और कलेक्टर और बेस आउटपुट को दे दे। अपन क्या करें, इधर बेस को, इनपुट को और आउटपुट को इस्तेमाल कर, दोनों तरफ बेस को क्या करें, अपन इनपुट को यूज कर रहे हैं, और वही बेस को और एक वायर लेके आउटपुट को यूज कर रहे हैं। तो बेस क्या होगा, कॉमन होगा इनपुट और आउटपुट के बीच में, समझ में आ रहा, ऑलराउंडर हो गया, वो भी इनपुट में भी काम करता और आउटपुट में भी काम करता बेस। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कनेक्शन, सीबी कॉमन बेस, कॉमन बेस के ऊपर तो बेस कॉमन होगा इनपुट और आउटपुट को, समझ में आया। अपन इधर ये एग्जांपल में बेस को कॉमन करे, ग्राउंड करे, दूसरा एग्जांपल में अपन एमिटर को भी कॉमन कर सकते, एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, पी एन पी और एन पी एन कौन सा भी। आप क्या कर रहे हैं, एमिटर को कॉमन कर रहे हैं, एमिटर इज कॉमन फॉर इनपुट और एमिटर इज कॉमन फॉर आउटपुट। इधर क्या कर रहे हैं अपन, बेस और एमिटर को इनपुट को कनेक्ट कर रहे हैं, कलेक्टर और एमिटर को आउटपुट में कनेक्ट कर रहे हैं, ट्रांसिस्टर ऐसा यूज कर रहा है। तो एक टर्मिनल अगर कॉमन करे तो ट्रांसिस्टर अपन इस्तेमाल कर सकते सर्किट में। ये कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या बोलते इसको, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, सीई कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर, कॉमन सीओएम, कॉमन एमिटर, ये है कॉमन बेस। और एक क्या है, कॉमन कलेक्टर, अब अपन कलेक्टर को भी यूज कर सकते कॉमन, ये है बेस, ये कलेक्टर, ये एमिटर। तो ये पी एन
पी, एमिटर को कॉमन कर, कलेक्टर को कॉमन कर दिया, इधर इनपुट दे रहे और इधर से आउटपुट ले रहे, ये दो टर्मिनल्स इनपुट को दे रहे, ये दो टर्मिनल्स आउटपुट, एक कलेक्टर कॉमन हो गया तो कॉमन कलेक्टर, ठीक है। ये है थ्री कॉन्फिगरेशन, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, हो गया। ये है ट्रांसिस्टर, समझ में आ रहा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसिस्टर, और एम्पलीफायर भी पूछता, व्हाट इज एम्पलीफायर, विच एम्पलीफाइज द वीक सिग्नल फ्रॉम वीक सिग्नल टू स्ट्रॉन्ग सिग्नल, वीक वोल्टेज टू स्ट्रॉन्ग वोल्टेज, विच कन्वर्ट्स, विच एम्पलीफाइज द वीक वोल्टेज टू स्ट्रॉन्ग वोल्टेज इज कॉल्ड एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर इज अ डिवाइस विच स्ट्रेंथेंस द वीक सिग्नल टू स्ट्रॉन्ग सिग्नल, यानी नहीं तो वीक वोल्टेज टू स्ट्रॉन्ग वोल्टेज, विच कन्वर्ट्स वीक वोल्टेज टू स्ट्रॉन्ग वोल्टेज, और विच एम्पलीफाइज वीक वोल्टेज टू स्ट्रॉन्ग वोल्टेज इज कॉल्ड व्हाट, एम्पलीफायर। ट्रांसिस्टर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर, ट्रांसिस्टर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर। तो ये है ट्रांसिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे।